तो यो व्हाट्सअप गाइज यार, कैसे हो आप लोग मेरे भाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले आपके ही टॉपिक पे। आप लोगों ने मेरे को कॉमेंट में टॉपिक दिया और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जो कि भाई बहुत सारे भाई लोगों की समस्या है कि भाई 0 रुपए में हेयर खड़े कैसे करें, विदाउट हेयर जेल, विदाउट हेयर ड्रायर। आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके हेयर्स खड़े हो सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप मेरे हेयर्स में वॉल्यूम देख सकते हो, ये वॉल्यूम भाई मेरा 0 रुपए में आया। भाई मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, जहाँ तक का भाई मैंने हेयर ड्रायर तक यूज़ नहीं किया। तो हेयर ड्रायर के बिना करके दिखाने वाला हूं। और भाई ना आपको हेयर वैक्स बताऊंगा, ना आपको कोई जेल बताऊंगा, आपको भाई 0 रुपए में आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। तो भाई यार वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। टाइम आपका भी जरूरी है, मेरा भी जरूरी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप मेरे हेयर्स में वॉल्यूम देख सकते हो, तो ऐसा ही हेयर्स में आपके भी वॉल्यूम आने वाला है। और आप अभी मेरे हेयर्स लेंथ देख सकते हो, मेरे हेयर्स में इतनी ज़्यादा लेंथ है। अगर आपके हेयर शॉर्ट है तो भाई काफ़ी अच्छा आपको वॉल्यूम मिलने वाला है आपके हेयर्स में। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, लेट्स गो गाइस। सो गाइज माय नेम इज विद यू वाचिंग स्मार्ट बॉय हैक्स। अगर आपके चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ऐसी वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर आप मेरे को DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम यहाँ पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पर जाकर आप मेरे से डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकते हो। तो सभी भाइयों को मैं आंसर दे देता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहाँ पर जाकर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि वीडियो यार छोटी सी है और भाई लंबी नहीं बनाते हैं वीडियो को, तो भाई आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो भाई यार आज की वीडियो में हम यूज करने वाले हैं हिमालय का पाउडर। तो भाई आज इससे आपको हेयर खड़े करके दिखाऊंगा और आपको इसको कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है। तो भाई यार सबसे पहले अपना स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो स्टेप नंबर 1 पे अपना हेयर वॉश है, तो हेयर वॉश करके आता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं आपको करना क्या है। तो भाई यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और भाई इसको यूज करके आपको अपने हेयर्स में भाई वॉल्यूम लाके दिखाऊंगा और आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो भाई आज की वीडियो यार स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। सो गाइस मैं अपने हेयर वॉश करके आ चुका हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरे हेयर्स में कितना वाटर है, आप देख सकते हो, ये देखो भाई। तो भाई अपने हेयर्स में सबसे पहले अपन टॉवल ट्राई करते हैं, टॉवल अपना ये रहा। तो भाई जल्दी से टॉवल ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आपका आगे का स्टेप बताता हूँ, आगे आपको करना क्या है। तो जल्दी से टॉवल ट्राई करते हैं, तो स्टेप बाई स्टेप आपको देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो जल्दी से टॉवल ट्राई करता हूँ, उसके बाद आपको आगे का बताता हूँ, आगे आपको करना क्या है, लेट्स गो। तो गाइस टॉवल ड्राई तो मैंने कर लिया, बट अभी भी मेरे हेयर्स में थोड़ा थोड़ा वाटर है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके हेयर्स में बिल्कुल भी वाटर नहीं रहना चाहिए। तो आपको करना क्या है भाई, आपके पास कॉम होगा, उसके सहारे से भाई आपको इसके अपने हेयर्स को सीधे करने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, स्टेप बाई स्टेप देखना, आपके हेयर्स में कन्फर्म वॉल्यूम आ जाएगा। ये ट्रिक भाई कन्फर्म वर्क करेगी। तो भाई अभी अपने हेयर्स को सीधे करता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने अपने हेयर्स को सीधे कर लिया, तो भाई अब ये हेयर्स भाई अलग अलग हो गए। तो आपको फिर से टॉवल ड्राई करना है, टॉवल ड्राई करके, और भाई बिल्कुल भी हेयर्स में वाटर नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आप अपने तरीके से कर सकते हो, बाकी मैं बता रहा हूँ आपको मेरे तरीके से भी कर सकते हो। तो अभी मैंने टॉवल ड्राई अच्छे से कर लिया, मेरे हेयर्स में बिल्कुल भी वाटर नहीं। अब थोड़ा बहुत जो आपके हेयर्स में वाटर रह गया उसको आपको कैसे हटाना है, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ मेरी उंगलियों से भाई आपको ऐसे ऐसे करना है। तो इसमें से आपके जितने भी हेयर्स में थोड़ा बहुत वाटर होगा तो वो निकल जाएगा और आपके हेयर्स अच्छे से सूख जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, देख सकते हो। तो अभी मेरे हेयर्स बिल्कुल सूख चुके हैं, अभी मेरे हेयर्स में बिल्कुल भी वाटर नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे हेयर्स अच्छे से टॉवल ड्राई हो चुके हैं। तो अभी आपको अपने हेयर्स को एक साइड कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ, जिधर भी आप अपने हेयर्स को सेट करते हो उधर की साइड आपको कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो इसमें आप नॉर्मल कॉम का भी यूज कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो मेरे हेयर्स में बिल्कुल भी वाटर नहीं है और बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, मेरे हेयर्स बिल्कुल भाई डेड पड़े हुए, जैसे भाई चिपके हुए, जैसे भाई चंपू के नहीं रहते, वैसे मेरे हेयर्स हो चुके हैं। तो अभी अपना यूज करने वाले हैं मामा अर्थ का
मामाअर्थ का नहीं, हिमालय का है, सॉरी। तो हिमालय का अपना पाउडर यूज करने वाले हैं, जो भाई बेबी बेबीज के लिए बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो भाई इसको यूज करते हैं अपने हेयर में, उसके बाद देखते हैं अपने हेयर में वॉल्यूम आता है या फिर नहीं। तो जल्दी से इसको यूज करते हैं, लेट्स गो। तो अभी मैंने अपने हेयर्स में यूज कर लिया है पाउडर। तो भाई अभी अपने हेयर्स को भाई कॉम की मदद से, पहले उंगलियों की मदद से सेट करते हैं, उसके बाद कॉम की मदद से सेट करेंगे। और भाई देखते हैं वॉल्यूम आता नहीं आता। ओ माय गॉड भाई, सीरियसली यार वॉल्यूम आ रहा है भाई, मैंने सोचा नहीं था यार इतना अच्छा आएगा। जस्ट एक मिनट। ओ माय गॉड, एक मिनट, यहाँ पे मेरे हेयर्स बिखर रहे हैं थोड़े। तो भाई कॉम से अच्छे से सेट नहीं हो रहे, क्योंकि भाई इसमें पाउडर मैंने डाल दिया है। तो पाउडर मैंने कम लगाया है, शायद पाउडर और लगाएंगे। और अभी इसको भाई अच्छे से सेट करते हैं, उसके बाद देखते हो। ओ माय गॉड भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने भाई, यहाँ पे मेरे हेयर्स जहाँ पे डेड थे वहाँ पे खड़े हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम। और भाई कैमरे में थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे भाई अभी भी हेयर्स गिरे हुए हैं, बट भाई मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाऊंगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई सोचा नहीं था भाई मैंने इतना अच्छा वॉल्यूम आएगा। तो भाई मैंने अभी कम यूज किया था, तो अभी थोड़ा सा और यूज करते हैं, उसके बाद देखते हैं लेस को। तो भाई अभी मैंने अच्छे से यूज कर लिया, आप भाई कंफर्म भाई बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा, क्योंकि जब थोड़ा सा मैंने यूज किया तो भाई अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया था। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे हेयर्स भाई थोड़ा सा कड़क कड़क हो गया, जैसे वॉल्यूम पाउडर वैक्स से हो जाता है। तो भाई अभी अपने हेयर्स में यूज करते हैं कॉम का। और भाई ये देखो भाई, मेरे नोज पे गिर गया भाई थोड़ा सा। ओ माय गॉड भाई, अभी आप देखना, जस्ट मैं अपने हेयर सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, जल्दी हेयर्स को ऐसे करते हैं उंगलियों की मदद से। और भाई ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा कितना अच्छा वॉल्यूम आ चुका है। भाई मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा वॉल्यूम आएगा, वो भाई मेरे को लगा नहीं था यार इससे वॉल्यूम आएगा। भाई मैंने पहले यूज नहीं किया था, अभी भाई कैमरे के सामने यूज कर रहा हूँ, भाई मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इतना अच्छा खासा वॉल्यूम ये मेरे हेयर्स को दे सकता है। तो भाई क्या ही बोलूँ भाई, एक बार मैं अपनी वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो चल रहा है नहीं। भाई मेरे साथ एक बार प्रैंक हो चुका है, जस्ट मैंने अभी ये चीज किया था पहले, तो भाई वीडियो स्टार्ट नहीं हुई थी। तो भाई एक बार देख लेता हूँ, कैमरा ऑफ नहीं करूँगा, जस्ट ऐसे ही पता चल जाएगा। तो भाई वीडियो अपनी स्टार्ट है, वीडियो भाई बन नहीं हुई है। तो भाई अभी आप देख सकते हो यार वॉल्यूम कितना अच्छा खासा आ चुका है। तो भाई कॉम से आपको सेट करने का तरीका आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपके हेयर्स खड़े हो जाएंगे। तो भाई ये तो मेरे हेयर्स लॉन्ग है, इसलिए भाई थोड़े से हार्ड हो रहा है, खड़ा होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट भाई जब आपके हेयर शॉर्ट होंगे तो भाई बहुत अच्छे तरीके से खड़े हो पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो मेरे हेयर्स में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ चुका है। तो भाई यहाँ पे मेरे को लगा नहीं था भाई इससे मेरे हेयर्स में वॉल्यूम आएगा, बट भाई इतना अच्छा खासा वॉल्यूम आ चुका है। भाई मैं सच में भाई शॉक्ड हो गया कि भाई इतना अच्छा खासा वॉल्यूम ये मेरे को दे सकता है। भाई इसके अंदर तो भाई ये पाउडर वैक्स आते हैं ना भाई, इनका खर्चा क्यों ही करना भाई, ये अपने घर में सबके घर में मिल जाएगा, जिनके घर में बच्चे होते हैं तो भाई गर्मियों में यूज़ करते हैं इसको। तो भाई आप लोगों को पता होगा यार, इतना तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि सबको पता है सबके घर में मिल जाएगा। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे ये हिमालय का है। तो भाई मैंने पहले पॉन्ड्स का यूज़ किया था, उससे भी अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला है इससे। तो भाई जो बंदे बोलते हैं ना भाई अपने हेयर्स भाई सफ़ेद तो नहीं हो जाएंगे, हेयर झड़ने तो नहीं लग जाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यार ये चीज़ देख, यहाँ पे आप देख सकते हो बेबीज़ के लिए है। तो भाई बेबीज़ के लिए है, तो भाई बेबीज़ को भाई केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज करने को मिलते हैं। तो भाई कंपनी को कभी भी केमिकल वाले प्रोडक्ट बेबीज़ के लिए नहीं बनाती है। तो भाई ये चीज़ तो आप नो टेंशन हो सकते हो कि भाई आपके हेयर्स में भाई इस पाउडर से आपके हेयर्स में कुछ नुकसान होने वाला है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो भाई आप लोग यार सीरियसली भाई आज की वीडियो इतनी मस्त बनी है ना भाई, मेरे को लगा नहीं था यार इतना अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा। और अभी आप जस्ट मैंने
वीडियो स्टार्ट कर रखी है और अभी आप देखना अच्छा खासा वॉल्यूम और आएगा, क्योंकि भाई अभी मेरे हेयर्स में थोड़ा बहुत जैसे अपना होता है ना टॉल ड्राई करने के बाद भी थोड़े थोड़े हेयर्स गीले रह जाते हैं, तो भाई बिल्कुल जैसे सूखेंगे ना उसके बाद और भी अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा। तो भाई अभी धीरे धीरे जस्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और भाई आप देख सकते हो अच्छा खासा वॉल्यूम और भी आ रहा है, जैसे जैसे मेरे हेयर सूखेंगे वैसे वैसे और वॉल्यूम आएगा और आगे आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ ही देखने को नजर आएगा, घटता हुआ नहीं जो नजर आएगा। और मेरे हेयर्स की लेंथ आपको दिखा देता हूँ, मेरे हेयर्स की लेंथ इतनी है तो भाई इतने अच्छे मेरे हेयर्स खड़े हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे हेयर्स में भाई कुछ भी नहीं किया मैंने, आपके सामने जस्ट आपसे बात कर रहा था और मेरे हेयर्स अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे से खड़े हो चुके हैं। ओ माय गॉड भाई सीरियसली यार मैंने सोचा नहीं था यार इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा यार, क्योंकि ये यार इसमें कोई वैसा नहीं होता कि वॉल्यूम पाउडर वैक्स है, तो भाई मेरे हेयर्स भाई इतने हार्ड भी नहीं हो रहे कि भाई मेरे हेयर्स में से मेरे हाथ ही नहीं निकल रहे। भाई वॉल्यूम पाउडर वैक्स जब हम यूज करते हैं तो अपने हाथ जो है अपने हेयर्स हार्ड हो जाते हैं और अपने हाथ नहीं निकलते अपने हेयर्स में से, बट ऐसा इसके साथ बिल्कुल भी सीन नहीं है, मेरे हाथ में पता है ऐसे कैसे निकल रहे। आप देख सकते हो वॉल्यूम भी आ गया और भाई कोई नुकसान भी नहीं है, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या ही होगी, अपने पैसे भी नहीं लग रहे और भाई आपको यार वॉल्यूम भी मिल रहा है अपने हेयर्स में, भाई इससे अच्छी बात तो क्या ही होगी। और आप लोग भाई देख सकते हो मैंने जो भी किया लाइव प्रूफ किया, आपको भाई कोई भी वीडियो स्किप नहीं किया है, जस्ट भाई मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपके सामने जो भी किया लाइव प्रूफ किया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और भाई बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आई होगी इस वीडियो में, क्योंकि यार रोड पे अपने घर है तो भाई यहाँ पे साधन वगैरह आते रहते हैं तो भाई यहाँ पे आवाज़ आती रहती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आज कोई वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।